आईपीएल सीजन के 56वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स आज यानी 7 मई को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भिड़ेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन में 11 में से 5 मैच जीते हैं और पॉइंट टेबल में छठे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले 5 मैचों में से 3 में जीत हासिल की है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने अपने 10 में से 8 मैच जीते हैं और पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान ने अपने पिछले 5 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है। वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होनी है। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ 28 आईपीएल मैच खेले। डीसी ने 13 और राजस्थान ने 15 जीते हैं। राजस्थान के खिलाफ डीसी का अब तक का हाईएस्ट स्कोर 207 रहा है। दिल्ली के खिलाफ आरआर का हाईएस्ट स्कोर 222 रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 मैचों में से 3 मैच में राजस्थान ने जीत हासिल की है। इसी साल 28 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत हुई थी। इस मैच में राजस्थान के रियान पराग ने 45 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी खेली थी। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। वहीं आरआर के बल्लेबाजी करते हुए 185 में 5 रन का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब दिल्ली कैपिटल ने 173 रन ही बना सकी थी। वही बात करें पिच रिपोर्ट की, अरुण जेटली स्टेडियम की बाउंड्री छोटी है जबकि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल है और हाई स्कोरिंग मैच के मौके देती है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।